नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। तो हमारी पिछली वीडियो में बात चल रही थी कि किस प्रकार से भीम और मीम का एक पैचअप है, और उस पैचअप के बाद में हमने हमारी बात चली थी कि जाकिर नाइक किस तरीके से हमारे ही धार्मिक ग्रंथों के ऊपर जो फैंटेसी बनाई गई, जो सीरियल्स बनाए गए उनको आधार करके वो किस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को बरगलाता है, बहलाता है, फुसलाता है और अपना इस्लाम कबूल करवाता है। तो ये बहुत ही साधारण सी बात है, और इसमें उन्होंने कुछ हमारे धार्मिक जो गुरु बने बैठे हैं, एक छद्म गुरु तो संभल के प्रमोद कृष्णम उसमें मुख्यतः आते हैं, वो कई बार जाकर नाइक के गले भी लगते हैं, उनके स्टेज शेयर करते हैं। तो उनका एक प्रोपेगेंडा है कि हिंदुओं में एक विश्वास पैदा किया जाए। वो क्या विश्वास होगा? वो विश्वास पैदा किया जाए कि एक कल्कि अवतार जो है वो पैदा होने वाले हैं, और वो कब पैदा होने वाले हैं? कलयुग में पैदा होने वाले हैं। तो हिंदू जो समाज है वो दशम अवतार में विश्वास रखता है, और दशम अवतार के बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसके में बात करेंगे। तो दशम अवतार, अब प्रमोद कृष्णम किस स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है कि दशम अवतार होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो 1400 साल पहले हो चुके हैं। किस बिना पे ये बात चलती है उसके ऊपर बात करनी है आज। तो भविष्य पुराण का ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि उसमें कहा गया है कि दशम अवतार जो होंगे उनका ये नाम होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, और उनके पिताजी का नाम ये होगा, उनका जन्म इस स्थान पर होगा, और वो सारी चीज़ें मोहम्मद पैगम्बर साहब से मैच करा के जाकिर नाइक अपने स्टेज से बताता है। तो इतनी सी बात के ऊपर कोई भी हिंदू विश्वास करके इस्लामिस्ट नहीं बनेगा। तो स्टोरी कहाँ से बनती है? स्टोरी इस प्रकार से बनती है कि वो सबसे पहले, अगर एक बड़ा सा स्टेज, भव्य स्टेज बनेगा, एक हिंदू भाई को खड़ा किया जाएगा, उसके चारों तरफ कम से कम 10 हट्टे कट्टे मुसलमान बॉडीगार्ड्स को खड़ा किया जाएगा, फिर माइक लगाया जाएगा। और ये भी है कि जाकिर नाइक आजकल हिंदुस्तान में नहीं है, वो बाहर है, लेकिन आप ये मत समझें कि जाकिर नाइक अकेला था। जाकिर नाइक के पीछे हज़ारों की फ़ौज खड़ी हुई है, और हिंदुस्तान में ये काम बदस्तूर जारी है। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को, जिनकी बुद्धि के ऊपर मुझे रोना आता है, मुझे दया आती है, उन लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए, और इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए कि उसका प्रोपेगेंडा किस तरीके से चलता है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। फिर होता क्या है कि जाकिर नाइक सामने खड़ा होता है, और वो आपकी भावनाओं की कदर करते हुए बात को शुरू करता है। तो आपसे बोलता है कि देखिए, वेदों का प्रमाण जो है वो पूरे विश्व ने माना है, यानी कि नासा मान चुका है कि सबसे जो प्राचीनतम ज्ञान था वो वेद थे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि जब प्राचीनतम संविधान जो था, जो 1950 में देखा हुआ, आज भी 2017 में है? नहीं है। बहुत सारी धाराएं चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारा संविधान में संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट होता है बार बार। फिर वो बताता है, एक एग्जाम्पल देता है कि संजय दत्त टाडा के तहत जेल गया था, और आज के टाइम में टाडा नहीं है, संशोधन किया गया। तो क्या आज किसी को टाडा के आधारित करके जेल में डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता है। तो बोलता है कि जब हजारों करोड़ साल पहले का जो वेद है, जो उसका संविधान है, उसके आधार पर आज का जीवन कैसे चल सकता है? तो कहता है कि संविधान संशोधन करने के लिए कुरान को देवदूत गैब्रियल के जरिए उसको धरती पर उतारा गया, और सबके लिए आदेश किया गया कि सभी लोग अब इस्लाम को कबूल करें। मतलब एक ईश्वरीय संदेश है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये तो एक ईश्वरीय संदेश है। दोस्तों, मेरी बात याद रखो कि तलवार के जोर पर इस्लाम की का जो विस्तार था उसके ज़माने अब चले गए हैं, कानून बीच में आ गया है, तो अब दूसरे तरीके अब पैदा हो चुके हैं। उसी तरीके ऐसे ही बहुत सारे तरीके क्रिश्चियनिटी के अंदर भी हैं, उसका भी हम खुलासा करेंगे एक दिन आराम से बैठ करके। आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो इसी तरीके से ही। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि आपके जो वेद हैं उनका प्रमाण है, नासा उनको बहुत मानता है, और अब संविधान संशोधन हुआ, और वो संविधान संशोधन कहाँ से हुआ? वो हुआ है मोहम्मद पैगम्बर साहब के जरिए। वो संविधान को कहते हैं कुरान, और इस कुरान के आने के, इस मोहम्मद पैगंबर साहब के आने के प्रमाण आपके भविष्य पुराण के अंदर भी हैं। इस प्रकार से उसने पूरे मैटर को
हिंदू बेस कर दिया है। कहता है कि वेदों के अंदर लिखा है तस्य प्रतिमा नास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, जब वेद का आदेश है तो आप उसको मान लो। और अब मेरा जो हिंदू भाई है उसकी मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए। सामने जाकिर नाइक खड़ा है, वो बोलता है कि वेद प्रमाण है, वेद कहता है कि तस्य प्रतिमा नास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूरत नहीं हो सकती, उसको आप बुत में नहीं पूज सकते, उसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो सर्वनियंता है, और जिसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं, जिसको ओमनीसाइंट बोलते हैं। तो अब उस सर्वज्ञाता, सर्वव्याप्त, सर्व कल्याणकर्ता ईश्वर का जो स्वरूप वेद में बताया गया है, अब यहाँ से जब हमको ये कह दिया गया कि भविष्य पुराण के अंदर मोहम्मद साहब की पैदाइश का टाइम, नाम, स्थान सब कुछ दिया गया है, अब इस्लाम का उद्भव हुआ और आप इस्लाम में आ जाओ और मेरे हिंदू भाई चले जाते हैं, ये उनकी महामूर्खता की पराकाष्ठा है। उनको तो यहीं पर ही खुद सोच लेना चाहिए था कि जब मेरे वेद में ही इतनी सारी बातें लिखी हैं तो मैं वेद की शरण में क्यों ना जाऊँ, मैं इस्लाम की शरण में क्यों जाऊँ। क्या गीता का उस श्लोक वो भूल जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अस्वधर्म चाहे कैसा भी क्यों ना हो उसमें मरना पुण्य है, लेकिन परधर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वहाँ से हमको कितनी भी सुविधाएं क्यों ना मिल रही हो, उसमें जीना भी पाप है, वो भी हम भूल जाते हैं और हम इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। आज की तारीख में अगर किसी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन्हीं बातों को आप लोगों के सामने रखा था, लेकिन उस बातों का विरोध किया जाता है। तथ्य प्रमाण के आधार पर यदि कोई बात करता है, आपके एक तरफ वेद हैं, दूसरी तरफ जाकिर नाइक ने क्या मिक्स किया उसमें पुराण, जबकि वेद और ये जो भविष्य पुराण के आधारित जितने भी कपोल कल्पित कथाएं हैं ये सब विरुद्ध हैं, दे आर द पोल्स अपार्ट, लेकिन उनको किस तरीके से मिक्सअप करके आप लोगों को बता देता है, उसका कारण है। और उसका कारण ये है कि ना तो आपने कभी वेद पढ़े और ना ही कभी आपने पुराण पढ़े। आप जो वेद पढ़ते हो वो भी जाकिर नाइक के दिमाग से पढ़ते हो, आप जो पुराण पढ़ते हो वो भी जाकिर नाइक के थूक चाटते हुए पढ़ते हो, वो उसकी झूठन है, वो उसमें कुछ भी मिक्सअप कर सकता है जो आपको बताता है वो। तो आप इस चीज़ को ज़रा समझो कि इस पूरी स्ट्रेटेजी को किस तरीके से प्लान किया जाता है, किस तरीके से उसके साथ में डील की जाती है, किस तरीके से विदेशों से पैसा आता है आपको कन्वर्ट करने के लिए। जब वो बता रहा है कि वेद प्रमाण है, वेदों में इतनी अच्छी बात कही गई है, तो वहीं के वहीं आपको समझ आना चाहिए कि मुझे वेदों की शरण में जाना है, मुझे वेद पढ़ने हैं, मुझे दर्शन पढ़ने हैं, मुझे अपने उपनिषद पढ़ने हैं, मुझे भविष्य पुराण एक बार पढ़ने तो दो, किसी प्रमाणिक व्यक्ति से वो भविष्य पुराण पढ़ तो लो, तभी जाके बन जाना। तो अकेले जाकिर नाइक की बात नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज हजारों जाकिर नाइक हैं जो कि अपने छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं। जाकिर नाइक ने एक बहुत बड़ी, आज वो उस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी कि बड़े स्टेज से जाकर उनको उन्होंने ये काम किया, अब वो चोरी छुपे इस काम को करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बुद्धिमान लोग और मेरे आर्यजन लोग इन सब बातों को अपनी भाषा में भी रिकॉर्ड करें, या फिर इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएँ कि भाइयों समझो, और आर्य समाज इस तरफ बहुत काम कर रहा है, आर्य निर्मात्री सभा बहुत इसमें काम कर रही है, तो वो उन लोगों को समझाएं कि किस तरीके से हम उनकी बातों को अच्छे तरीके से समझें, उसमें छिपे हुए प्रोपेगेंडा को समझें और अपने स्वधर्म को ही आगे बढ़ाएं, तर्क के आधार पर, वितर्क के आधार पर उसकी रक्षा करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी जो चैप्टर्स बचे हैं अगली वीडियोस में हम उनकी बात करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है, लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूं स्वामी प्रभुपदा मानते हैं कि भगवत गीता क्या है, वेद का निचोड़ है, और वो कहते हैं मैं भी पढ़ चुका हूं आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका हूं,
उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था, भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है, आपकी भगवत गीता में लिखा है, एज इट इज में। और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, बहुत से गाय है, और कृष्ण क्या है, दूध निकालने वाला इंसान, और दूध क्या है, भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे, कौन कहता है, आपके स्वामी प्रभुपदा। मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर हमारे वहां भी माशाल्लाह 50 से ज्यादा भगवत गीता है, मैं लेकिन स्वामी प्रभुपदा की गीता को पसंद करता हूं, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूं। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो निचोड़े वेद का, निचोड़े, लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाय को छोड़ देंगे, गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप, गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेगा ना, दूध को लेंगे गाय को मार देंगे दूध आपका खत्म हो जाएगा भाई, गाय को जिंदा रखो, रोज दूध लो, बराबर के नहीं, दूसरे बच्चे पैदा करेंगे गाय, लेकिन तो गाय को मत छोड़िए। इससे हमें पता लगता है उसमें लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा धर्मस्य अने युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से, उसमें पता चलता है, जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है, कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला, तो मानते कल के अवतार आने वाला है, आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की माँ के नाम क्या है, सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना, कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15 इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है, हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे, हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूँ, 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, मैं अल्लाह भी पिलुद मौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें, उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर, हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गार हिरा में, फिर वो करेंगे हिजरत नॉर्थ की तरफ, फिर से वापस आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो एक घंटा सिर्फ तस्किरा कर सकता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप मानते क्या इस कल के अवतार में, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं, अमल करना जरूरी है।